क्या हाल है पबजी वाले लॉन्डो का। तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई स्वागत है आप सबका पबजी मोबाइल लाइट के एक नए वीडियो में। और आज हम आए हैं पायलट प्लाजा और हमारे साथ हैं ओएमए फालतू, जो अपने नाम की तरह बिल्कुल भी फालतू नहीं है, बहुत ज़्यादा फालतू है। और दूसरे हैं हमारे साथ कटकवाल, और जिनकी बकचोदियाँ पूरे गेम में सुनोगे पर भाई ज़्यादा ध्यान मत देना। तो हमारे साथ यहाँ पे थी एक स्क्वाड एंड मैं अलग बिल्डिंग में, वे अलग बिल्डिंग में। और मेरे को उतरते ही मिल जाती है कार 98 और एक शॉट गन, और यहाँ पे थोड़ी मल्लम पट्टी और एक कॉम्पनसेटर, और मेरे को 6-6 भी मिल जाता है। और मैं लूट वूट करके आ जाता हूँ ऊपर छत पर उनको स्पॉट करने के लिए। इसी के साथ मेरे पास M4 भी है, और इतना ही दोनों एक दो दो बॉट मार देते हैं, जबकि मेरे को एक बॉट नहीं मिलता है। तभी भगवान मेरी सुन लेता है और मेरे सामने एक बॉट दे देता है, और भाई भगवान का तोहफा है तो हम उसको लेंगे और उसको पेल देंगे यहाँ पे शांति से, और हम उसको पूरा लेंगे भाई। ये मजा देख रहे हो, एक किल भाई, खाता खुला। इसी के साथ मैं इसकी पेटी वेटी लूटता हूँ भाई, आगे चले जाता हूँ। भाई कर रहे दोनों बकचोदियाँ, तो उनकी बकचोदी को आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो भाई इस बॉट वॉट की पेटी वेटी बनाने के बाद मैं यहाँ पे आके आता हूँ उन बंदों को स्पॉट करने के लिए, और वे दोनों भी बकचोदी ही कर रहे हैं, ठीक है। और भाई आपको पीछे आवाज़ भी आ रही होगी, तो मैं यहाँ पे 6-6 लगा के देखता हूँ कि एक दुकान सिर विर खोल दूँ, तो मेरे को यहाँ कोई नहीं दिखता। फिर मैं सामने यहाँ पे आ जाता हूँ तेल के पुराने डिब्बों के पास, सुन रहे उनकी बकचोदियाँ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मेरे को भी बंदे नहीं पता लगते हैं, जबकि हमारे कटकवाल भाई साहब इनको स्पॉट कर लेते हैं। इनकी स्पॉटिंग पावर बहुत तेज है, पर लेकिन मरने की नॉक होने की पावर उससे भी तेज है। और फिर जो ये चिल्लाते हैं ना रिवाइव रिवाइव, उससे भी तेज है। जहाँ पे एक बंदा इसको मारता है तो इसको भरने की पूरी कोशिश करता हूँ, उसको 0 HP। और इसका भाई आके लेट जाता है, तो भाई इस लेट वाले भाई को हम घुटनों पर ला देते हैं। अभी इसको लटाएंगे भी पूरा, तो अभी तो ये रिवाइव हो जाएगा। और यहाँ पर फिर इसका अभी मैं देख रहा था कोई और आया आए 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 भाई, और यहाँ पे इसका एक बंदा आया और उसको मैंने किया नॉक, और साथ के साथ मैं इसको फिनिश भी डाल दूँगा। इसके बाद मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ, मैं सोचता हूँ पहले इसको टच कर दूँ, पर नहीं, ये तो कह रहे थे भाई हमसे लड़ो, हम पे है बहुत लूट, हम पे है फ्लेयर, हम है चौधरी, हम है खिलाड़ा, हमसे लड़ो। तो भाई यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ क्योंकि उसको रिवाइव मिल ही रहा है। मैं K9 निकालता हूँ, बम बम हो रखे हैं, पर कोई बात नहीं, अभी हम कवर में है तो चौके। सो अभी यहाँ पे मैं देख ही रहा था ब्रो, और यहाँ से और देखो फालतू मेरे पास से निकल करके ना भाई फ्लैंक मार देगा, तीनों को नॉक कर देगा भाई, बहुत प्रो लौंडा है भाई। क्योंकि और यहाँ पे एक बंदा दिखता है और मैं उसको पट्ट से हेडशॉट दे देता हूँ, जिसको मैं घुटनों पे ले आता हूँ। फिर यहाँ पे क्या होता है फालतू की फिर नॉक हो जाता है भाई, और यहाँ पे इसको कवर भी नहीं दे पाया और इसका सीधा धुआं निकाल दिया, तो क्या ही कर सकते हैं। और ये बंदा बैठा था ऊपर ऑब्जर्वेटरी के, तो उसको मैंने सोचा चलो भाई K9 6-6 से देते हैं इसको भी। और ये देखो तुम्हारा भाई का हेडशॉट पट्ट से, और भाई अब हो चुके थे दोनों। तो मैंने कहा भैया तू आ या ना, मैं तो रश मारता हूँ। तो इस भाई में शायद मल्लम पट्टी नहीं थी, 2-3 गोलियों में फिनिश हो जाता है। अब मैं आप इनकी पेटी शेटी लूटता हूँ, इनकी पेटी में मेरे को मिल जाती है फ्लेयर, जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। और इतना भाई विकास भाई हमारे लुटे रहे हैं बहुत तकड़े वाले, मैंने अपना 6-6 सेट किया। और भाई 6-6 को 3x पे चलाने का मजा लेके भाई घर वाले जाते थे मैं इंजीनियरिंग करो और बड़ा होकर इंजीनियर बनो। फिर मैंने ये करना शुरू किया, मेरे को एक दिखता है बॉट प्लस प्रो प्लेयर प्लस लेजेंड जो लेट के स्प्रे दे रहा था, और इसको दे देते हैं हम झटके, देखिए। और यहाँ पे हमारा फ्लेयर आ चुका है, और जब भी फ्लेयर आता है बंदे आने लाजमी है। तो भाई स्टार्टिंग में तो हम सोचते हो कोई नहीं आता और जोन आ जाता है, फिर भाई जो ही बंदे आते हैं ना, मतलब बस क्या ही बताएं भाई, वे हमको भी साथ में अपने साथ लॉबी ले जाते हैं, इतने गंदे। देखना भाई क्या ही सीन होता है अभी हमारे साथ। यहाँ पे बेटी बेटी लूटी, और भाई एक और बॉट प्लस अल्ट्रा लेजेंड प्रो बंदा आ जाता है, जिसको हम किल सिक्योर कर लेते हैं। और इसी के साथ मेरे बंदे मुझे नज़र लगा देते हैं, यानी कि मैंने बहुत सारे किल कर चुके हैं हूँ ऐसे ऐसे। सुनो सुन लिया, तो इसका मतलब हमको किल नहीं आएंगे, और ये बहुत सच भी बात है क्योंकि मेरे पे M4 में एक्सटेंड मैग नहीं होता है। अभी देखना, तो यहाँ पे बंदे आ चुके थे और यहाँ पे कटकवाल भाई साहब अपने रश वश मारने पहुँच चुके थे, एंड मैं घूम के जा रहा था। वैसे तो मैं जाता ना अभी, पर भाई क्या ही कर सकता, जब घुस ही गया तो भाई चलो यार। और यहाँ पे ये देखो दोनों क्या कर रहे, स्प्रे देखो अपने भाई का पड़ी, और मेरी गन रिलोड पे पहला की चोरी। कटकवाल भाई साहब खुश,
अब दूसरा बंदा आया, इनको तो होश भी नहीं है। और ये देखो इसको दिया एंड मेरी गन रिलोड पे दूसरा किल। अब ये देखो तीसरा बंदा है, ये उधर ना, इसकी एक बार शक्ल देख लो भाई। और अब देखना है क्या करेगा, कितना मासूम सा है, क्या करेगा हमारे साथ, देख रहे हो आप। बूम। और भाई हम सारे लॉबी, और भाई इसके जस्ट बाद ये भी लॉबी पहुंच जाती है पूरी स्क्वाड, क्योंकि इस पर हेल्थ ही नहीं रहती है। फिर हम आ जाते हैं पबजी द मोबाइल लाइट के सेकंड गेम प्ले में। इसमें मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड बजा रहा हूँ, और भाई बहुत लौंडे खेलता हूँ भाई मैं, जो सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलता हूँ भाई साहब। और भाई यहाँ पर तो प्लेन भी अपना है, देख रहे हो भाई रिच, तुम्हारा भाई कितना अमीर है। और भाई यहाँ पर आ जाऊँ मैं स्टेडियम, क्योंकि भाई स्टेडियम आने का सिर्फ एक ही राज है, क्योंकि स्टेडियम चल रहा है आईपीएल। तो यार अपने को आईपीएल का बड़ा शौक था बचपन में, अब इतना नहीं है। रीज़न क्या है भाई, अब चीयर गर्ल्स नहीं आ रही है इसलिए नहीं है। तो हम आ गए यहाँ पे स्टेडियम, और मेरे साथ एक स्क्वाड भी उतर जाती है, और स्टार्टिंग में मेरे को उतरते ही मिल जाती है पीपी पाई। और इस पबजी लाइट का सस्ता नशा, वाह, अब हमको मिल गई MPK5 प्लस पीपी पाई जोन, और चार बंदे। देखो मेरा क्या ही लगेगा यहाँ पे, ये देखो ये में क्या भाई, चार सेकंड में रिलोड होती है, लेकिन ये रिलोड होने से लास्ट टाइम भी मैंने एमो उठा ली, ये फिर से रिलोड होगी। और मैं भी चाहता था मैं उसको 8 सेकंड में पूरा आराम से भर देता, पर नहीं, यहाँ पर मेरा Level 3 का हेलमेट और यहाँ पे बस्ता, और इसके साथ मैं नीचे कूदता हूँ, मुझे ऊपर फुट्स आ रहे थे। तो यहाँ पे देखो उस भाई को कैसे भरते हैं, उस भाई के पास थी हेलमेट फेस्ट। और भाई ये मतलब भाई अगर मेरे पे हेलमेट ना होता उड़ा देता भाई मुझे लॉबी भाई। और फिर मेरे को मिलते हैं 5 बैंडेज, मैंने कहा भैया अभी तुम रिवाइव हो जाओ, तुम्हें थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हम मल्लम पट्टी लड़ रहे थे, और उसके बंदे बंदे ऐसे ढूंढ रहे भैया जैसे मैंने इनकी भैंस खोल ली, अब बड़ी बुरी तरीके से चारों खटाखट भाई। एक बार को मेरे फट गए भाई पूरा लौंडे भाई, कांड कौन तोड़ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। ये देखो भाई कैसे ढूंढ रहे, एक के पीछे एक लग के, तो भाई उसे बंदों डर लगता भाई। और यहाँ पर मिलती है पेप्सी, और इनको पेप्सी पी के मारेंगे अभी। यहाँ पर बैंडेज वैंडेज करता रहता हूँ, एंड करी करी रगड़ो 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 रगड़ो। और भाई तभी मैं इधर से आता हूँ, एंड यहाँ पे ना मेरे को फुट्स आया था कि मेरे राइट साइड में कोई कूदा है। मैं सोचता हूँ यही मौका, एक बंदा कूदा होगा आज से, मैं जाके मैंने कहा आओ मेरे भाई तुमसे देखते हैं। देखो क्या करेगा ये मतलब भाई सब कर क्या है भाई, मैं सोच रहा ग्रेनेड है, मैं फटके मेरे यहाँ चार हो जाते हैं। मैंने कहा कभी मैं नॉक ना हूँ मैं तो सीधा पेटी बनेगी। और यहाँ पे भी एक बॉट आ जाता है परेशान करने, जिसको मैं छोड़ देता हूँ, पहले तो उसका बंदा ही आता है। तो ही बंदा ले रहा भाई, इसके पास थी S12K भाई, लक से नॉक हो गया, नहीं तो क्योंकि मैं क्लोज में होता ना इसके थोड़ा सा, तो भाई ये मेरे को ले जाता। ये था बॉट प्लस बंदा प्लस नुबड़ा, और मैं देखता हूँ यहाँ से इनको फिनिश विनिश डाल सकूँ, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अरे मेरे पास बैंडेज भी नहीं होती है, तो भाई मेरी फट चुकी होती है, अगर मेरे पास हेल्थ होती तो मैं भी रश कर देता, पर लेकिन नहीं। और फिर मैं अंदर आता हूँ, मेरे को यहाँ पे एक किट मिल जाती है। तो भाई मैंने कहा भैया भगवान साथ देना है, तो अब तो कूद जाना है। तो भाई इसीलिए स्टेडियम आ जाता हूँ मैं, फिर मैं यहाँ से अपनी गने वने रिलोड मार के मेरे को साउंड आ ही जाता है। तो भाई मैं यहाँ से सीधा कूदता हूँ, भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं। तो जोरी भाई हुआ वो पीछे ही देख रहा है, उसको पता ही नहीं तेरे को पड़ी कहाँ से, और ये बंदा बॉट मार रहा है। वाह वाह मेरे भाई, आप KD मेंटेन करो भाई, तो आपके पीछे एक और बॉट है उसको मार लो, पर नहीं भाई उस दूसरे बॉट को मारना है। तो इन तीनों को क्या किया, इन तीनों को लटा दिया हमने, और मैं इनके बंदे का वेट कर रहा था। मैं कहा भाई पता नहीं कहाँ से आएगा फ्लैंक फ्लैंक मार के, और देखना भाई क्या ही आएगा वो, मतलब भाई क्या ऐसा सस्ता नशा फूक के आया था भाई, ये मेरे सामने आके रिलोड कर रहा है, तुम मरोगे ही भाई क्या भाई क्या, कुछ नहीं। और फिर यहाँ से इनका पेटी वेटी लूट के भाई मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, और यहाँ पे मिल जाती है मेरे को बूगी वूगी, और साथ ही मुझे आ जाता है बराबर में से साउंड, जो कि सेंट्रल रोड के राइट में घर हैं, या थर्ड डिल के पीछे भी बोल सकते हैं भाई। पहले तो मेरा मन कर रहा रहने दो, फिर मेरे को पता लगा यार मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर मैंने कहा घुसाना ही पड़ेगा। और फिर यहाँ पे मैं लेके आता हूँ बग्गी वग्गी, और यहाँ पे वैसे महंगी करने चल लेते हैं S12 के टाइप, जिससे मैं अभी नॉक होने वाले थे कि मैंने गाड़ी ठोकी। उसके बाद मेरे को दो बंदे ओपन आगते हुए दिखते हैं, मैं सोचता हूँ उनसे एक को गाड़ी से कुछ दो, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर मैं पीछे डाउन द रिच गाड़ी रोक लेता हूँ, और मैंने कहा चलो भाई। और इससे पहले मेरे को सनी जॉनी का गाना सुन के एक लौंडा पानी में कूदा हुआ होता है, ब्लू है पानी पानी करे जाता है, तो इसको भी निमका देते हैं यहाँ पे देखो। और भाई सनी जॉनी गाना सुनो पूरा फिनिश होकर नॉक भी नहीं होगा। तो सनी जॉनी का नाम लिया तो ये बंदा रगड़ रहा है अपना दीवार में, तो इसको भी लटा दिया, और इसका मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि
उधर से फायर आ रहा था, मैं सोच रहा था अभी मेरा किल छूट जाए, रिवाइव दे रहा था और ये रिवाइव वाले भैया को फिर से लिटाया। एंड अब देखना ब्रो क्या ही तुम्हारा भाई क्लच निकालेगा एंड क्या ही लास्ट में सीन होगा भाई। वो रिलोड वाला सीन अब मेरे साथ होगा क्योंकि मेरे पास एक्सटेंड नहीं था। यहाँ पे ये भाई साहब आया ख़त्म एंड मैं रिलोड करने लग गया, मैंने ध्यान नहीं दिया एंड हम पिट गए भाई। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। एंड आप लोगों को पसंद आया तो यार गलती से पसंद आया तो लाइक वाइक कर देना, बाकी तो भाई गुड बाय एंड लव यू ऑल।